राम मंदिर से कनक महल की तरफ। ये कनक महल वो है जो सीता माता को मिला था जब कैकेयी जी ने, जब सीता माता विवाह करके आए, राम जी आए थे सीता माता को विवाह करके, तो कैकेयी जी ने उनको मुंह दिखाई के रूप में ये महल दिया था। अभी दस मिनट के अंदर अंदर हम अमावा राम मंदिर से पहुंच गए हैं यहाँ पर कनक महल। बहुत सुंदर महल है यहाँ पर। सीता जी को ये महल गिफ्ट में मुंह दिखाई में मिला था कैकेयी जी के द्वारा। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला जिसको हम स्मरण कर सकते हैं आज के दिन हुई है कि जब राम जी का सीता माता के साथ विवाह हुआ था तो राम जी ने उन्हें एक बहुत सुंदर अंगूठी गिफ्ट की थी। उस अंगूठी पर श्री राम लिखा हुआ था, तो अंगूठी सीता माँ बहुत प्रेम से रखती थी, बहुत संभाल कर रखती थी, हमेशा पहन कर ही रखती थी। तो इस महल में एक बार क्या हुआ, जब सीता माँ और राम जी थे तो एक बार उनके बीच में प्रेम पूर्वक कुछ हल्की सी कहा सुनी हो, तो लीला के रूप में फिर राम जी और सीता माता, फिर जब थोड़ी कहा सुनी होगी तो सीता माता ने थोड़ा मान कर लिया और फिर उन्होंने बातचीत बंद कर दी। तो राम जी ने भी फिर बात बंद कर दी और हुआ ऐसा दोनों बात नहीं कर रहे, और ऐसे होते होते एक दिन, दो दिन, कई दिन बीत गए। तो बहुत दिन बीतने के बाद फिर दोनों सोच रहे थे अभी बात कैसे शुरू करें क्योंकि इतना समय हो गया। तो सीता माता फिर सोचने लगी कि बात कैसे शुरू की जाए, तो फिर फाइनली उनको एक दिन सूझा कि उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल कर वो गिरा दी कहीं पर, और वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहाँ है, मेरी अंगूठी कहाँ है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। और राम जी भी एकदम आ गए, अरे अंगूठी, वो अंगूठी हो गई। तो राम जी झूठ ढूंढने लगे, अरे कहाँ है अंगूठी, कहाँ है अंगूठी। और राम जी ने देखा, अरे यहाँ पर मिल गई अंगूठी आपकी। तो सीता माता ने कहा तो इस तरीके से वो लीला समाप्त हुई थी, जिसमें दोनों ने, स्पेशली सीता माता ने मान रख लिया था और फिर उनकी बातचीत शुरू हुई थी। एक और लीला जिसका स्मरण हमें यहाँ पर होता है वो ये है, जब राम जी को कैकेयी माता ने बोला था कि राम अब आपको वनवास के लिए जाना है, और दशरथ महाराज कुछ बोले नहीं थे, तो इस आज्ञा को लेकर फिर राम जी जब महल में आए थे तो सीता माता एक्सपेक्ट कर रही थी कि राम जी अभी खुशखबरी लेकर आएंगे, उनको अयोध्या नरेश घोषित किया जा रहा है। तो वो बहुत खुशी के माहौल में थी, पर राम जी थोड़ा सीरियस थे। तो राम जी ने बोला कि जो अयोध्या नरेश हैं और माता कैकेयी हैं, वो चाहते हैं कि मैं वनवास पर जाऊँ, तो चेंज करना। तो राम जी ने फिर उनको ये बताया, तो सीता माँ बोलने लगी ठीक है तो चलते हैं। फिर राम जी ने बोला नहीं नहीं, आज्ञा मुझे मिले, मैं अकेले जा रहा हूँ और आप यहाँ पर रहिए। सीता माता बोली ये क्या, इसका प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं आपके बिना रह लूँ। तो राम जी चाहते तो थे कि वो उनके साथ रहें, पर उनको हल्का सा भी ऐसा नहीं लगने देना चाह रहे थे कि वो चाहते हैं उन्हें जाना उनके साथ में। तो वो बार बार ये जिद पर अड़ गए, नहीं आप नहीं जाएंगे मेरे साथ। और सीता माता को सबसे ज़्यादा कठोर वचन पूरे रामायण में बोलने पड़े राम जी के समक्ष, तो वो इसी लीला में बोलने पड़े कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे मेरे पति हैं। तो ऐसे बोल बोल के जब उन्होंने इतने कठोर वचन बोले, फिर फाइनली राम जी ने बोला ठीक है आप चलिए मेरे साथ। तो हम यहाँ पर देखते हैं राम जी और हमारे वैदिक संस्कृत में अपने आप कितना सेंसिटिव हैं राम जी सीता माता को लेकर, कि उन वो चाहते हैं कि वो उनके साथ रहें, वो उनके साथ वनवास में जाएं, पर हल्का सा भी उनको तकलीफ ना हो, उनको कष्ट ना हो। अगर उनका मन ही आने का तो वो विवश ना हो जाए सिर्फ इस वजह से कि वो नहीं, वो चाहते हैं उन्हें आने के लिए। तो इतना सेंसिटिव पूरे राम दिखाते हैं अपने आप को, स्पेशली सीता जी के साथ व्यवहार करने। तो ये वही दशरथ जी का महल है जहाँ पर राम, लक्ष्मण, हनुमान, शत्रुघ्न चारों भाई खेलते थे, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे। तो जैसे हम गए थे हनुमानगढ़ी पर, जहाँ पर हनुमान जी को राम जी ने जगह दी थी, वैसे ये सुग्रीव किला है, ये जगह दी थी राम जी ने सुग्रीव जी को कि यहाँ पर वो विश्राम करें जब वो आए थे अयोध्या में वापस। तो ये हम जगह देख सकते हैं। हम राम जन्मभूमि भी गए थे और सीता रसोई भी देखा था हमने, पर वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था तो वहाँ पर हम नहीं दिखा पाए। तो ये रास्ते में हम अभी निकल रहे हैं नंदीग्राम के लिए, तो रास्ते में ही ये मंदिर पड़ता है।
सुग्रीव किला। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट किस गात, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। प्रियापति रामचंद्र की जय। तो यहाँ पर जो श्लोक लिखे गए हैं रामचरितमानस से, वो दिखा रहे हैं कि कैसे भरत महाराज यहाँ पर कुशक घास के आसन पर बैठे हुए थे और राम 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 जी के नामों का जाप कर रहे थे और उनके आँखों से अश्रु बह रहे थे। तो ये वही जगह है जहाँ पर भरत महाराज आकर तपस्या किए थे। जब तक राम जी वापस नहीं आते तब तक उन्होंने सोचा था मैं अयोध्या में वापस नहीं जाऊँगा राम जी के बगैर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत ही भक्ति भाव भरा हुआ है। अगर हम देखें भरत जी के जीवन के बारे में, तो भरत जी ने ये सोचा था कि राम जी नहीं है, राम जी वनवास में गए हुए हैं, तो वो वनवास में है तो मैं अयोध्या में महल में तो छोड़िए, मैं अयोध्या के अंदर भी नहीं रह सकता। तो वो इस गांव में आए थे तपस्या करने के लिए और उन्होंने भी जटा धारण कर ली थी। जैसे जैसे जो जो तपस्या राम जी को निभानी पड़ी थी वनवास में, उतनी या उससे ज़्यादा कठोर तपस्या उन्होंने निभाई थी। उन्होंने सोचा कि राम जी अगर कंदमूल खा कर रहेंगे तो मैं भी वैसे ही जीऊँगा। उन्होंने भी सारा राजसी जितना भी ऐशो आराम होता है वो सब त्याग दिया था और वो सोचते थे कि अगर राम जी धरती पर रहेंगे वनवास में तो वो धरती को खोद कर नीचे जाकर तो वो वहाँ पर रहते थे। तो भरत महाराज ने यहाँ पर रहकर अकेले, यहाँ पर तो उनके साथ लक्ष्मण और सीता माता भी नहीं थे जैसे राम जी के साथ, तो राम जी जितनी तपस्या उन्होंने बिना सीता माता लक्ष्मण या किसी और की थी, और ये उसी समय राम जी के लिए पूरे इस अयोध्या नगरी का उन्होंने जो प्रशासन है वो भी संभाला था। तो ये ऐसे आदर्श उदाहरण है कि कैसे इतना सारे ऐश्वर्य होने के बाद भी ये भाव उनमें रहा कि राम जी की सेवा के लिए ही मैं कर रहा हूँ सब कुछ। तो आज मैं स्पेशली उनसे प्रार्थना करता हूँ, हम सब के अंदर ऐसा भाव है कि हम जितना भी ऐश्वर्य है इस जीवन में हमें जो मिलता है हम उसे भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए उन सब के लिए प्रयोग कर सकें, अपने खुद के लिए उसको ना यूज़ करके हम बाकी लोगों के प्रति भगवान की सेवा में उसको ना सीखें। भगवद गीता में इसका उदाहरण दिया जाता है कमल पत्राक्ष पद्म पत्रम इवाम बसा, कि जैसे कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में उगता है इसी वजह से उसको पंकज बोला जाता है, उसी प्रकार से हम भी जीना सीखें। ऐसे जगत में जहाँ पर इतना सेल्फिशनेस इतना ऐश्वर्य के साथ लोग बस ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो खुश रह सकें, ऐसी जगह पर जब हम भरत जी जैसा चरित्र देखते हैं जिन्होंने राम जी के लिए इतना त्याग किया, इतने सारे उन पर एलिगेशंस लगाए गए थे कि इनकी वजह से इन्हीं की इच्छा थी जिस वजह से राम जी को जाना पड़ा, उन सब के बीच में राम जी से दूर और इतनी तपस्या करना बहुत महान कार्य था। इसीलिए भरत महाराज को बताया जाता है कि ये रामायण में सेक्रीफाइस का प्रतीक है, इन्होंने भार उठाया था राम जी की सेवा का, इसलिए भरत जिन्होंने भार उठाया राम जी के साथ।
भरत महाराज स्नान करने आते थे। आप सब इमेजिन कर सकते हैं ये जगह जहाँ कुछ पता नहीं कितने सालों पहले, कितने वर्षों पहले भरत जी स्नान करते आए, क्या उनकी मनस्थिति होगी, कैसे वो राम जी का स्मरण करके एकाग्र इतने सालों तक एकदम सिंपल भी कुछ शब्द है उनके लिए, तो इतना तपस्वी जीवन उन्होंने बिताया। यहाँ पर रहते थे, वहाँ पर हमने देखा वो तपस्या करते थे और सारा वो राजसिक अपनी व्यवस्थाएं भी संभालते थे और वो यहाँ पर स्नान करते थे। अभी हम आचमन करने चलते हैं, भरत महाराज को स्मरण करते हुए, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका सेवा भाव स्मरण करते हुए कुछ ग्रंथ मात्र भी हमारे पास आए। देख रहे हैं बहुत सुंदर जगह है, कितनी अनोखी जगह और बहुत शांत। यहाँ पर सिर्फ जो दर्शन करने आते हैं लोग वही आ रहे हैं, सिटी से बिल्कुल दूर है। अभी भी वो हम फील कर सकते हैं भरत महाराज की प्रेजेंस, उनका मूड फील हो सकता है। तो अभी हम हैं भरत जी के कुंड से जहाँ पर वो स्नान करते थे, तपस्या करते थे। यहाँ से हम जा रहे हैं पास में मंदिर में। यहाँ पर दो तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पर बताया जाता है कि भरत जी तपस्या करते थे और वो रहते थे। दो तीन ऐसी स्थली हैं, ओवरऑल ये भरत जी का ही स्थली माना जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर नंदीग्राम में ऐसे तीन प्रमुख मंदिर बताए जाते हैं जहाँ पर वो हैं। तो उनमें से एक मंदिर में हम जा रहे हैं जहाँ पर हनुमान जी आकर मिले थे और भरत जी को ये संदेश दिया था कि राम जी आ रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर बहुत विशेष जगह है वो भी, उसके बारे में भी देखते हैं। बहुत पावन स्थली पर हैं जहाँ पर हनुमान जी संदेश लेकर आए थे राम जी का। तो जब वो आ रहे थे राम जी सीता माता को लेकर और कई और लोगों को लेकर, तो राम जी ने एकदम सोचा कि पहले हनुमान जी को भेजना पड़ेगा। तो हनुमान जी को उन्होंने भेजा कि आप भरत तक ये संदेश लेकर जाइए कि मैं आ रहा हूँ, और एक और चीज़ बोली उन्होंने जिसकी वजह से ये पूरी लीला जो यहाँ पर हुई थी वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है तीन चरित्रों के बारे में जानने के लिए। पहले राम जी के बारे में कि कैसे वो, उनको श्रद्धा है अपने भक्त पर, उनकी सेवा पर, फिर भी वो बहुत संवेदनशील हैं, बहुत सेंसिटिव हैं हनुमान जी के सेवा भाव पर, और कितना उनमें मैच्योरिटी था लोगों से डील करने के लिए, चीज़ों को अनुभव करने के लिए। और भरत जी की इंटीग्रिटी सेवा भाव में कितना वो मतलब कितनी उनमें इंटीग्रिटी थी कि हल्का से भी रंज मात्र उनको आसक्ति नहीं आई अयोध्या के राज्य से। तो हनुमान जी को जब भेज रहे थे भरत महाराज, उनका मेन लक्ष्य ये था कि उन तक संदेश पहुंच जाए, क्योंकि भरत जी ने ये तपस्या ले ली थी, ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि 14 साल से एक भी दिन ज़्यादा होगा तो वो अपना देह त्याग कर देंगे। तो राम जी ने उनको भेजा और हनुमान जी को ये स्पेशली बोला, उन्होंने बोला कि अगर भरत महाराज के चेहरे को देखकर हल्का सा भी ऐसा लगता है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, अब अयोध्या का राज छोड़ना पड़ेगा, तो आप तभी उसको नोट कर लेना और मुझे आकर बताना। तो हनुमान जी जब आते हैं भरत महाराज के पास तो अपना वेशभूषा थोड़ी बदल के आते हैं
और हल्के से ऐसे इंडिकेशन देते हैं, ऐसी बात बताते हैं कि आने वाले हैं राम जी। और ये सुनने के बाद भरत महाराज इतना खुश हो जाते हैं और हल्का सा भी उन्हें टिंज नहीं दिखता कि ये अयोध्या से आ सकते हैं, अयोध्या के राज्य के प्रति उनकी इच्छा हो रही है। तो ये देखकर हनुमान जी ने एकदम ये भांप लिया और फिर अपना असली रूप भी कुछ समय बाद दिखाया, तो भरत महाराज इतना खुश हो गए। वो दोनों मिले यहाँ पर, हमने अभी दर्शन किए थे उन दोनों के। तो ये वो स्थली है जो दिखाती है भरत महाराज रंच मात भी 14 सालों में एक बार भी उन्हें ऐसा भाव नहीं आया उस मोमेंट पर जब उनको न्यूज़ दी जा रही है कि हाँ राम जी आ रहे हैं। एक टिंज भी उनको ये नहीं लगा कि अच्छा अब छोड़ना पड़ेगा। और राम जी कितना प्रिपेयर्ड है, ऑल दो उन्हें पता है 14 साल भरत ने मेरा इंतज़ार किया है, लेकिन वो फिर भी अगर उनकी थोड़ी सी भी इच्छा होती भरत महाराज की, अगर उनके इमोशंस में हल्का सा भी कुछ दिखा होता तो राम जी प्रिपेयर थे कि ठीक है मैं अयोध्या जाऊँगा ही नहीं, भरत को ही राज्य करने दें। तो कितना अनासक्त राम जी, भरत जी और हनुमान जी अपने आप में, कितना मैच्योर भाव सेवा का हनुमान जी प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसी इंटीग्रिटी भरत जी प्रस्तुत कर रहे हैं, और कितना संवेदनशील राम जी अपने भक्तों के प्रति। अगर उनकी हल्की सी भी इच्छा हो किसी चीज़ की, मैं छोड़ देता हूँ, जैसे हमने सीता माँ के केस में भी देखा, राम जी बोल रहे उन्हें नहीं नहीं मत आइए। तो ये स्थली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आप दोबारा दर्शन कर सकते हैं इस स्थली का, बहुत सुंदर और बहुत शिक्षाप्रद यहाँ पर लीला हुई थी। और यहाँ पर आकर वही सारे चरित्र हमें याद आते हैं बार बार कि हम भी उनसे शिक्षा लें। अभी हम वापस जाएंगे और कल हम शायद नैमिषारण्य जाएं, जहाँ पर हमारी भागवत पुराण इतनी महत्वपूर्ण पुराण बोली गई थी।